बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को दोबारा उस मुकाम पर ले जा सकें जिस मुकाम पर वो कभी उनके पिता यादव के दौर में थी। पर उस वक्त और इस वक्त में बहुत अंतर है। उस वक्त पार्टी का सिर्फ एक ही शक्ति केंद्र था, लालू प्रसाद यादव। पर अब पार्टी में दो अलग अलग धुरियां हैं, एक तेज प्रताप यादव और एक तेजस्वी यादव। वैसे तो तेजस्वी यादव पूरी ताकत से पार्टी और चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। दूसरे नेताओं की आस्था भी तेज प्रताप में बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि अब दूसरे नेता उन्हें फॉलो करने लगे हैं। पर बीच बीच में तेज प्रताप के फैसले उन नेताओं को खटक रहे हैं। हाल ही में तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलकर लौटे हैं। दोनों के बीच क्या बात हुई इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पर पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप अपने चार उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिलवाने पर अड़े हैं, जिनमें अंगेश सिंह, चंद्रप्रकाश, डॉक्टर संदीप कर और धर्मेंद्र कुमार का नाम शामिल है। हालांकि पार्टी के दूसरे नेता ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इन सब मामलों पर तेजस्वी के अलावा किसी और का हुक्म चले। पर लोकसभा चुनाव का अनुभव भी कोई भूला नहीं है। जिस वक्त तेज प्रताप ने अपनी ही खानदानी पार्टी से बगावत कर अपने फेवरेट उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़वा दिया था, इसलिए तेजस्वी भी भाई की बातों को दरकिनार करने से बच रहे हैं। देखना यह है कि ऐसे हालात में तेजस्वी अपने भाई से जंग जीतते हैं या बिहार के सत्ता के दंगल में खरे उतरते हैं।